मिर्जापुर सीजन 3 का ट्रेलर जो है ड्रॉप कर दिया गया है। मिर्जापुर का सीजन 3 एक मच अवेटेड वेब सीरीज है प्राइम वीडियो की। एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस की गई ये जो वेब सीरीज है, इसका ट्रेलर ड्रॉप किया गया है। बात करेंगे कैसा लगा ये ट्रेलर, तो फिर ज्यादा देर न करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। ढिंढोरा पीट चुका है बताओ सारे जहां को कि मिर्जापुर की सीजन 3 आ रही है। मिर्जापुर सीजन 3 का ट्रेलर क्या दमदार ट्रेलर है, मजा आ गया है इस ट्रेलर को देखकर। बहुत दिनों से लोगों में इस वेब सीरीज को लेकर काफ़ी इंतज़ार था कि कब आएगा मिर्ज़ापुर का सीजन 3। अब जो है ट्रेलर ड्रॉप किया गया है, जाकर देख लीजिए प्राइम वीडियो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। गुड्डू भैया जो है अब मिर्ज़ापुर पर कब्जा करने आ चुका है, और आते ही मिर्ज़ापुर पर स्थापित की गई कलीन भैया की जो मूर्ति है उसको गिरा देता है, और यहीं से शुरू होता है पॉलिटिक्स। जो कलीन भैया के चाहने वाले हैं वो चाहते हैं कि लोगों के अंदर एक सिंपैथी पैदा हो जाए कलीन भैया के लिए, ताकि मिर्ज़ापुर जो है फिर से कलीन भैया के पास आ जाए। और गुड्डू चाहते हैं कि मिर्ज़ापुर की हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, हर एक कूचे में उसका ही नाम गूंजता रहे, उसके नाम के डर गूंजता रहे। अब कहानी इतना सा ही है ज़रूर, लेकिन ट्रेलर के अंदर वो रॉ चीज़ महसूस ज़रूर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम मुन्ना त्रिपाठी को जो है मिस कर रहे हैं। उनका वो डायलॉग डिलीवरी, उनका वो स्वैग, वो हम ज़रूर मिस कर रहे हैं। फिर से वही फैमिली पॉलिटिक्स, फिर से वही आपको पावर का म्यूज़ होते हुए देखना, ये सब देखने को मिल जाएगा। लेकिन सच बताओ तो ट्रेलर के अंदर एक चीज़ को छोड़ के बाकी कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा कुछ, बहुत खास कुछ महसूस नहीं हुआ, मतलब कि दिल को टच नहीं कर पाया। लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छा कुछ एक्शन सीन्स आपको देखने को मिल जाएगा, ब्लड शेड्स आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप मिर्ज़ापुर के पिछले सीजन्स देखा है तो आपको पता ही है कि ये जो वेब सीरीज़ है इसके स्क्रीन प्ले के अंदर कुछ डार्क कॉमेडी रहता है, कुछ वीटी चीज़ें रहता है। वो सारे डार्क कॉमेडी, वो सारे वीटी चीज़ें यहाँ भी नज़र आता है, और बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेलर की एडिट की बात करूँ तो लास्ट में म्यूज़िक के साथ साथ ट्रेलर को काटा गया है, दैट इज़ वेरी गुड। वायलेंस का बस सिर्फ कुछ ग्लिम्प्स दिखाया गया है, ज़्यादा इसको रिवील नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि मेकर्स जो है इस चीज़ को छुपा कर रखना चाहता है, ताकि असली जो चीज़ है वो सीरीज़ के अंदर देखने को मिल जाए। अब आते हैं असली मुद्दे पे। आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, पूरे इस वीडियो में मैंने कलीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा। वो इसलिए क्योंकि पूरे ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी ज़्यादा है ही नहीं। लास्ट के 10-15 सेकंड में उनका एंट्री होता है, और जब एंट्री होता है दैट इज़ द ओनली USP, और गूज़बम्प्स महसूस होता है। लास्ट की ये पंकज त्रिपाठी की एंट्री सीन को छोड़ के बाकी पूरा का पूरा ट्रेलर जो है अच्छा है, लेकिन टच नहीं कर पाता है, कुछ फील नहीं होता है। एक हाई ड्रामेटिक मोमेंट्स हम मिस कर रहे थे, कुछ गूज़बम्प सीन्स हम मिस कर रहे थे। मतलब अगर ये मिर्ज़ापुर का ट्रेलर नहीं होता तो शायद हम सोचते ऐसे ट्रेलर हम बहुत बार इसको देख चुके हैं, ऐसा ट्रेलर फिर से नहीं आना चाहिए था। मतलब कहीं ना कहीं एक एक्स फैक्टर की कमी ज़रूर महसूस हुई, कुछ तो कमी है ऐसा एक महसूस हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कहूँगा कि ट्रेलर बहुत ख़राब है, अच्छा है, और भी अच्छा होना चाहिए था। उम्मीद है ये जो है, ये जो चीज़ मैंने कहा, ये सीरीज़ के अंदर एक्चुअल कंटेंट के अंदर ये महसूस ना हो तो ही होगा। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। जय सिनेमा।